हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एन टी पी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी की आप लोग तैयारी करते हैं उसके लिए जो है बेस्ट बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, यानी कि जो आप मैथ रीजनिंग जीके जीएस करंट अफेयर्स जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए जो है बुक कौन होने चाहिए, अच्छी कौन सी बुक अच्छी होती है और हमने किस तरह से तैयारी किया था और कौन कौन से बुक पढ़ा था, उस सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए ये वीडियो जो है आप लोग अपने हिसाब से अगर आप जो बुक चयन किए हुए हैं और उसी को पढ़ रहे हैं तो उसी वही पढ़िएगा जो पहले से पढ़ रहे हैं। और अभी हम जो भी बताएंगे तो अगर आप पहले से वो बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो नया में खरीद के मत पढ़िएगा, क्योंकि देखिए पुराना ही पढ़िए और उसी ही बार बार रिवीजन करिए। कोई भी बुक देखिए, सभी बुक अच्छा होता है, कोई सभी लोगों का जो है पसंद अलग अलग रहता है कि आपको ये बुक पसंद आया और आपको जो है वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप उसी से पढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि जो हम जो बता रहे हैं वही पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों मैथ की, और मैथ की संख्या क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो मैथ की आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। ग्रुप डी के एग्जाम की बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं। और मैथ की बुक की बात करें तो मैथ की बुक के लिए दोस्तों एक आर एस अग्रवाल का आता है, वो तो आप लोग सभी लोगों को जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी लोगों के पास जो है वो बुक होगा। और एक टाइम्स का दोस्तों जो सगीर अहमद का आता है, वो दो मैथ आप रखिए, दो मैथ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर एक चैप्टर वाइज बनाइए, हर एक चैप्टर वाइज बनाने की जरूरत नहीं, दो मैथ आप रखिए। और आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन जो चैप्टर से नहीं बनता है उस दोनों बुक में से वो चैप्टर उल्टाइए और उसे जो है अच्छे से अध्ययन करिए। तो इस तरह से जो है आप मैथ की तैयारी करिए। और मैथ के बुक के लिए मैंने वो दो बुक बताया। और एक आप लोग के लिए एडवांटेज है, हमने 2018 में एग्जाम दिया था तो हम लोग के लिए एडवांटेज नहीं था कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है पढ़ने का, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ते थे तो उसमें जीके जीएस की संख्या बहुत ज्यादा थी, 70-80 जो है 100 में जीके जीएस थी। तो इस वजह से जो है प्रीवियस ईयर में हम लोग को ज्यादा जो है पढ़ने से जो है ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन बैंक मैथ्स का था होता है सॉरी मैथ का जो क्वेश्चन बैंक होता है वो क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लीजिएगा, चाहे कोई भी प्रकाशन हो। देखिए प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रकाशन रहेगा तो सब उसमें सब में जो है सेम ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप कोई भी प्रकाशन का लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यूथ का हो गया, रुक्मणी का हो गया, स्पार्क्स का हो गया, तो कोई भी ले लीजिए प्रीवियस ईयर का, मैथ का जो है वो ले लीजिए। तो मैथ के लिए जो है आप यही तीनों जो है बुक पढ़िए। उसके बाद रीजनिंग की बात आ जाती है, तो दोस्तों रीजनिंग का जो है 30 के आसपास जो है रहता है क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो रीजनिंग के लिए जो है आप लोग अरिहंत का एक बुक आता है, अरिहंत का पतला सा ही बुक आता है तो वो ले लीजिए। देखिए रीजनिंग की तैयारी के लिए दोस्तों जो है आपका मॉक टेस्ट लगेगा, उसी में जो है रीजनिंग धीरे 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 आपका अच्छा हो जाएगा। तो एक अरिहंत का बुक आता है वो ले लीजिए और फिर एक प्रीवियस ईयर का ले लीजिए और वही दोनों को जो है अच्छे से पढ़िए और जो है आपका जो है एग्जाम अच्छा जाएगा। और रीजनिंग के लिए दोस्तों वो मॉक टेस्ट आप लगाते हैं ना, वो ही जो है आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और उसी से जो है आपकी तैयारी जो है बेहतर होते जाएगी। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों अरिहंत का एक जो है बुक आता है जिसका चित्र आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वो ले लीजिए। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक होगा कोई भी प्रकाशन का वो ले लीजिए और उस दोनों को आप सॉल्व करिए तो आपका रीजनिंग का पोर्शन जो है वो अच्छा हो जाएगा। देखिए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन जो टाइप जो रहेगा, टाइप कहाँ से लाएगा, न्यू टाइप थोड़ी रोज बनता है, एकाध टाइप नया हो सकता है लेकिन जो पुराना जितना भी है वही रहेगा। तो उस सब टाइप को जो है आप लोग जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो उसी हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों जनरल साइंस की बात जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन जनरल साइंस में जो है आपका 25 क्वेश्चन रहता है और 25 क्वेश्चन में जो है आपका कुछ न्यूमेरिकल रहता है, पांच के आसपास, चार पांच ऐसी रहेगा अपना आपका न्यूमेरिकल क्या चार पांच रहेगा। और तो साइंस के लिए दोस्तों आप लोगों के पास तो है लुसेंट का बुक तो होगा ही, जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं और कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं एक लुसेंट का बुक उनके पास जो है हमेशा रहता है। तो लुसेंट का एक नॉर्मली सामान्य ज्ञान जो लुसेंट आता है वो ले लीजिए। और उसके बाद जो होता है एसपीडी का जो है साइंस का बुक आता है वो आप लोग ले लीजिए। एसपीडी का साइंस का बुक जो आता है वो आप लोग साइंस के लिए जो है वो ले लीजिए।
और लुसेंट, एक लुसेंट और एक साइंस। देखिए अभी हम नया बुक आप लोग को नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी नया पढ़ने से आप लोग का दिमाग जो है थोड़ा इधर उधर, देखिए दिमाग को दौड़ाइए नहीं, स्थिर करके रखिए और एक ही चीज पे फोकस करिए, जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसी पे जो है फोकस करिए। तो मैं ये जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही आप पढ़िएगा तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम जो है निकलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसी पे अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि सब में जो सब जो भी बुक रहता है सब में मिलता जुलता ही रहता है, कुछ कुछ का अंतर रहता है और वही कुछ कुछ का जो है अंतर रहता है बस, और ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है। तो आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करिए, मैंने जो फॉलो किया था वो आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक जो है एस के झा का जो है साइंस का बुक हमने जो देखा है, उस टाइम तो हम 2018 में तैयारी कर रहे थे 17-18 में, तो उस टाइम जो है उनका बुक शायद नहीं आया था या हम नहीं जानते थे, तो उस टाइम तो हम नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन हमने एनटीपीसी की तैयारी जब कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं तो उनका बुक जो है मेरे पास है। तो आप लोग भी एसके झा का साइंस का बुक वो ले लीजिए, उसमें न्यूमेरिकल भी है और आपका सब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो भी है, तो आप उस एसके झा बुक साइंस का ले लीजिए। और इसी तरह से है तीन बुक, आपका लुसेंट होना चाहिए, एसपीडी का जो साइंस होना चाहिए और एसके झा का एक बुक होना चाहिए, और इसी तीनों को जो है आप लोग रेगुलर पढ़िए, नया चीज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, रेगुलर पढ़िए आपका तैयारी जो है अच्छा हो जाएगा और आपका मार्क्स जो है अपने आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी लगाते हैं या प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो सभी में आपका जो है नंबर इंक्रीज होगा। उसके बाद बात करें दोस्तों की जो जीके, तो जीके देखिए ये तो कम ही रहता है, 10 के आसपास अगर नॉर्मली रखा जाए तो 10 के आसपास ही रहता है, लेकिन 10 ही रहता है, लेकिन रिजल्ट लाने के लिए जो है आपका सभी जो है सभी सेक्टर जो है अच्छा होना जरूरी है। तो जीके के लिए जो है लुसेंट का जो है बुक और एक एसपीडी का आता है, मैं तो दो ही सजेस्ट करूंगा, एक लुसेंट का और एक एसपीडी का। तो लुसेंट का दोस्तों जो बुक आता है सामान्य ज्ञान तो आप लोगों के पास होगा ही, वही जो है वही अच्छे से पढ़िए, और एसपीडी का जो है सामान्य ज्ञान एक आता है वही दोनों जो है पढ़िए, जो नया जो एसपीडी का जो है उसमें प्रीवियस ईयर का भी है तो वो प्रीवियस ईयर का भी जो है नया वाला एसपीडी ले लीजिएगा, और उसमें प्रीवियस ईयर सम्मिलित किया गया है जो 2018 में पूछा गया था, तो वही दोनों जो है आप लोग पढ़िए, 10 के आसपास रहता है, उसमें आराम से 6-7-8 आराम से उसमें आप लगा सकते हैं अगर ये दोनों अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो जीके के लिए दोस्त बस दो ही बुक है, वही आप लोगों को बताए जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान जो सभी लोग पढ़ते हैं और एसपीडी जो है सामान्य ज्ञान, ये दोनों जो है पढ़िए। उसके बाद आ जाती है मेन जो है करेंट अफेयर्स। देखिए करेंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आप अभी लगातार पढ़ रहे हैं तभी मार पाइएगा, अगर आपने छोड़ दिया तो आपका गया, तो वो ऐसा चीज है कि अभी पढ़िए और कुछ दिन बाद जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो 5-10 दिन पहले वाला करंट अफेयर्स भी जो है सम्मिलित आपको मिल जाता है। तो करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मैं अभी जो देख रहा हूँ यूट्यूब पर एक चैनल है उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, जो उनका जो है चैनल डेली के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए उनका चैनल आप लोग देखें, और एक इंद्रेश आरसी सर है, हमने जिस टाइम तैयारी किया था उस टाइम हम उनका ही देखते थे, इंद्रेश आरसी सुबह सुबह जो उनका डेली करंट अफेयर्स आ जाता है और डिस्कशन के साथ भी आ जाता है, तो ये दोनों में से आप किन्हीं का भी देख सकते हैं। और उसके बाद करें दोस्तों जो है आप लोग ईयरली करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान दर्पण आप लेते हैं मंथली तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, और उसके बाद जो है आप ईयरली एसपीडी जो है एक साल, देखिए जब भी एग्जाम होता है कम से कम 1-1.5 साल का जो है करंट अफेयर्स आप लोग पढ़िए, तो आप लोगों के जो कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि जो इतना के अंदर अगर पूछे तो हम बना सकते हैं, और 1-1.5 साल के अंदर के ज्यादातर क्वेश्चन देखिए पूछने को तो 2-3 साल पीछे का भी पूछ सकता है और पूछा भी है, लेकिन वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है आपका, 1-2 क्वेश्चन जो है अगर 10 को करंट अफेयर्स है तो 1-2 जो है 2019-2018 का पूछ सकता है, लेकिन जो है उसके लिए आप जो है उतना तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप इधर ही फोकस करिए। तो 1-1.5 साल के जो है जब से एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 1-1.5 साल के अंदर जो है जितना भी करंट अफेयर्स रहेगा वो एसपीडी का जो है, एसपीडी पब्लिकेशन का हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स ईयरली वाला जो आता है, तो वो आप लोग जो है वो पढ़िए, वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो में दोस्तों हमने जो मेरा जो अनुभव था वो हमने शेयर किया था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर